आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही राहुल जी ने एक सौगात जो है युवाओं के लिए दी है, क्योंकि युवा जो है पिछले 10 साल से बेरोजगार है और उसी के लिए उन्होंने एक ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कि जब भी हमारी सरकार बनने जाएगी तो अब जैसे ही सरकार बनेगी हम युवाओं को जो 5 गारंटीज जो है उसका उन्होंने नाम दिया है युवा न्याय। और इस युवा न्याय में उन्होंने 5 चीजें ऐसी कही हैं जो सरकार बनते ही हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसमें मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है उन्होंने भर्ती का भरोसा दिया है, रिक्रूटमेंट की जो गारंटी दी है। राहुल जी का कहना है कि जब भी सरकार बनती है हम पहले ही जानते हैं 30 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं इस समय जो है सरकार के पास वेकेंट है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। और जैसे ही सरकार बनेगी हम उस 30 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरने का काम जो है एकदम से करेंगे। दूसरी गारंटी जो है हमें राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, जब भी हम सरकार में आते हैं तो जैसे कि भाजपा की सरकार में हम देख रहे हैं कि स्कैम जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, जब भी कोई आपकी स्कीम आती है कि ये आप फॉर्म भरिए और जैसे ही एग्जाम उसका खत्म होता है तो बाहर आता है कि ये स्कैम था, इसलिए वो जो आपने एग्जाम दिया है वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके लिए भी राहुल जी ने ये कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको ये एश्योर करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिस कानून के तहत जो पेपर लीक है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सजा हम करेंगे मुकम्मल, ताकि आज के बाद जब भी एग्जाम हो तो जो युवा है उसको सफर नहीं होना पड़े। उसके लिए भी एक जो है हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज इन्होंने हमें कही है राहुल जी ने, उनका कहना है कि जो भी युवा बेरोजगार है वो अगर अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है हम एश्योर करेंगे कि जब भी सरकार में आते हैं उस सरकार में बनते ही हम उनको एक जो उनकी पहली नौकरी है उसके लिए गारंटी देते हैं कि 1 लाख तक का उनको पैकेज जो है वो हम देंगे। उसके बाद जो है उसमें युवा की मर्जी है कि उसको कितनी देर तक कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन एश्योर करेंगे कि उसको 1 लाख का पैकेज जो है ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, ये हम एश्योर करते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज राहुल जी ने कही है उनकी गारंटी ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एक कॉर्पस 5,000 करोड़ का बनाएंगे जिसके तहत वो गारंटी देते हैं कि जितने भी नौजवान हैं बिलो 40, क्योंकि सरकार आज भी दावा कर रही है भाजपा की कि हमने भी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई है, लेकिन उनकी स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है, जो ग्राउंड पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को जो बिलो 40 है उनको रोजगार देने का काम, या उनको अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स हम देंगे जिससे वो खुद एंटरप्रेन्योर बन के जो है आगे जो है अपनी जिंदगी बसर कर सके। और पांचवी महत्वपूर्ण स्कीम जो हम युवाओं के लिए देने जा रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि आज युवा इतना परेशान है कि छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार है। आज आप देखिए जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, छोटे छोटे जो काम मोटरसाइकिल पे आज का बेरोजगार युवा कर रहा है उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम सरकार में जब भी आएंगे तो हम ये श्योर कर रहे हैं कि जैसे कर्नाटका की सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां जो नौजवान है उसको हम एक सिक्योरिटी ये दे रहे हैं कि उनका एक्सीडेंटल जो कवर है वो भी हम 2 लाख का दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने कर्नाटका की फैसला लिया है। तो ये हम आपको श्योर करते हैं 5 गारंटी जो है, ये जो न्याय यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी में ये फैसला हुआ है, क्योंकि राहुल जी जहां जहां गए हर जगह बेरोजगारी इतनी चरम पर है और उन्होंने एक फैसला लिया कि युवाओं के लिए जो है जब तक हम कोई कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में युवा जो है वो गलत दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो जब भी हम सरकार में आएंगे राहुल जी और कांग्रेस पार्टी एश्योर करती है कि 5 गारंटी जो है इमीडिएट इंप्लीमेंट होगी और युवा जो है पहले की तरह जो है अपना रोजगार पा सकेगा। थैंक यू।